झारखंड किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपना मत का प्रचार किया था? ऑप्शन ए है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी है विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी है तुलसीदास, ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? ऑप्शन ए है शिवनाथ सिंह, बी है दर्पनाथ शाह, सी है एनी शाह, डी है प्रताप राय। तो तमाड़ विद्रोह के समय जो 1782 ईस्वी में हुआ था उस समय नागवंशी राजा था दर्पनाथ शाह। टू का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तमाड़ विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप तमाड़ विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, झारखंड में किस स्थान को गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो गांव में बसा शहर किस स्थान का उपनाम है? तो थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैकलुस्कीगंज। थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैकलुस्कीगंज। मैकलुस्कीगंज को झारखंड का लंदन तथा गोरो के गांव के नाम से जाना जाता है, जो कि रांची से 55 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है झारखंड पार्टी, बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी है झारखंड पीपुल्स पार्टी, डी है भारतीय जनता पार्टी। तो फोर्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वह तीर था। फाइव का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, झारखंड में किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए है बोकारो, बी है जमशेदपुर, सी है हजारीबाग, डी है धनबाद। सिक्स का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी? ऑप्शन ए है 5 फरवरी 1955, बी है 10 अगस्त 1928, सी है 18 नवंबर 1932, डी है 18 फरवरी 2000 ईस्वी। तो सेवन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर, झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए है धनबाद, बी है पूर्वी सिंहभूम, सी है पाकुड़, डी है कोडरमा। एट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद, कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर, झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है देवघर, बी है दुमका, सी है राजमहल, डी है पाकुड़। नाइन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजमहल, जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 ईस्वी का हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? ऑप्शन ए है गोविंद महतो, ऑप्शन बी है चूनाराम महतो, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है सरस्वती देवी। टेन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरस्वती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन में किस तिथि को ताना भगत के एक दल ने बिशुनपुर थाना जला दिया था? ऑप्शन ए है 10 अगस्त 1942, बी है 20 अप्रैल 1941, सी है 18 अगस्त 1942, डी है 12 जनवरी 1942। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में कहाँ के पुलिस दल ने विद्रोह किया था? ऑप्शन ए है रांची, बी है हजारीबाग, सी है जमशेदपुर, डी है दुमका। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया था। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 ईस्वी में कहाँ पर इनकलाबी सिपाही दल बनाया था? ऑप्शन ए है रांची, बी है दुमका, सी है जमशेदपुर, डी है हजारीबाग।
13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भिखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था, यानी किस जेल में भेजा गया था। ऑप्शन ए है भागलपुर सेंट्रल जेल, ऑप्शन बी है हजारीबाग सेंट्रल जेल, सी है रांची सेंट्रल जेल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है भागलपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर सेंट्रल जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, झारखंड में लुथरेन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था। ऑप्शन ए है 14 नवंबर 1955, बी है 18 नवंबर 1955, सी है 15 अगस्त 2000 ईस्वी, डी है 8 अप्रैल 1855। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 नवंबर 1955 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, झारखंड में पहला वाईफाई ग्राम बनने का गौरव किस ग्राम को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए है मलूटी, बी है कसमार, सी है बड़का गांव, डी है भोगनाडी। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कसमार। कसमार झारखंड का पहला गांव है जहां वाईफाई ग्राम बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। कसमार गांव जो है यह बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1807, बी है 1869, सी है 1872, डी है 1955। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है। तो खड़िया जनजाति में ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है आयोजित विवाह, बी है क्रिंग बाफला, सी है अलोलदाय, डी है सदाई बापला। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलोलदाय। अलोलदाय विवाह को जो है असली विवाह भी कहा जाता है और उसे हिंदी में जो है क्रय विवाह के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख सकते हैं। और ऑप्शन ए जो है आयोजित विवाह या भूमिज उड़ाव और खरवाव जनजाति में सर्वाधिक रूप से प्रचलित विवाह है। और ऑप्शन बी जो है क्रिंग बापला यह संथाल जनजाति में सर्वाधिक रूप से प्रचलित विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, खड़िया गांव का नेता और संचालक को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है मांझी, बी है करटाह, सी है प्रधान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करटाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, मुंडा उड़ाव के पाड़हा पंचायत की तरह खड़िया जनजाति में कार्य करने वाली महासभा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हाथू मुंडा, बी है डोकलो सोहर, सी है बाड़र चित्ती, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डोकलो सहर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग मॉक टेस्ट।